हेलो एवरीवन, क्या आप सबको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग ओपन स्पाउस वर्क परमिट। सो अगर आप ओपन स्पाउस वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे देखी हैं जिन्होंने अपना अप्लाई किया बट उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अधूरे थे और उनके वजह से लेटर ऑन उनकी रिफ्यूजल आ गई, नहीं तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो बैन मिला। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट जो कि नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें वहां पर ऑलरेडी पोस्टेड है, और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हैं, हमारा अकाउंट फॉलो करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी हमने पोस्ट की हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की जो इंडियन एप्लीकेंट्स को चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोज ऑफ कपल, लाइक 25 से ज्यादा बेटर होता है आपकी बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, ऑल दैट कवरिंग दैट। फिर आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट, इसमें आपकी FDs भी हो सकती हैं, और कोशिश करें कि आपका जो बैंक बैलेंस हो 7 लाख से ज़्यादा हो, बट ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द डॉलर रेट। मैं करंट के रेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 7 लाख से ज़्यादा हो, बट आप प्लीज़ जब भी आप अप्लाई करें करंट रेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे FDs, म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो अगर आपने पहले कहीं ट्रैवल किया है कहीं घूमे आप, उसकी हिस्ट्री, अगर आपका कोई रिफ्यूजल आया प्रीवियसली तो रिफ्यूजल लेटर, रिफ्यूजल की डिटेल एंड डिटेल मैटर्स, ओके। एंड फिर आ जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट जैसे आपकी सैलरी स्लिप, जॉइनिंग लेटर, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी यू नो, फिर आ जाता है आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए, सॉरी एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपके 3 फॉर्म्स होते हैं, एंड बिजनेस ओनर, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपके फिर आ जाते हैं और GST सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट स्टेटमेंट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड लेटर हेड्स। सो इम्पोर्ट जाहिर सी बात है सभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर नहीं काम कर रहे थे, बट जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिजनेस को लेकर रजिस्टर्ड हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड फिर आ जाता है आपका, अगर आप बिजनेस आपका डिजिटल फोटो, फोटो चाहिए, आप सारी जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मीट कर रहे हैं, वाईफाई कॉन्टेंट 80% घूमना होता है। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी सी रिपोर्ट, आपकी गोल्ड हो, आपका यू नो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, वो सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं आपके इनकम प्रूफ जिसमें आपके पेरेंट्स के भी इंक्लूड हो सकते हैं, इन लॉज के भी इंक्लूड हो सकते हैं, ITR हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑनगोइंग रिलेशनशिप प्रूफ जैसे आपकी चैट्स हो गई, सोशल मीडिया में आपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड की हो, ठीक है ना, उन सबकी वीडियो कॉल्स की जो उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हो, जो करंट आपका स्टेटस जिससे आपका शो हो सके वो सभी, ठीक है। फिर आ जाते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जॉब के रिलेवेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हुए हैं, जिनके जो भी जितनी आपने पढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग हो, एंड आपकी मेडिकल ट्रैक हिस्ट्री, ठीक है ना, ये भी कई बार आपको नीडेड होती है तो ये भी आप जरूर अपडेटेड रखें, ठीक है। और अब हम बात करते हैं वो प्रूफ के जो आपके स्पाउस की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी कैनम है, उनको क्या क्या प्रूफ सबमिट करने चाहिए उनके बारे में, वो है जैसे आपके पासपोर्ट के पेजेस, ठीक है ना, आपका स्टडी परमिट, सेल लेटर, एसेंशियल राइट, स्टूडेंट आईडी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी ID भी हो सकती है, लेटर ऑफ एनरोलमेंट, ऑफर लेटर, फीस रिसीट्स, एवरीथिंग, ओके। ट्रांसक्रिप्ट, मान लीजिए अगर आपके स्पाउस ने ऑलरेडी कुछ एग्जाम दिए हुए हैं तो उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ गए। रेंटल एंड लीज एग्रीमेंट जिसमें आपका नाम, और आपका प्लीज में आपका नाम नहीं है तो वो भी वो करेगा। फिर आ जाता है आपका कनेडियन बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका 4000 से ज़्यादा एटलीस्ट आपका फंडिंग हो, 4 से 6 महीने की आपका बैंक स्टेटमेंट हो। फिर आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट जो अगर आपके पास है, अगर आपका एम्प्लॉइंग हो तो आपके एक्सपीरियंस लेटर, जॉबिंग लेटर हो गया जिसको हम बोल देते हैं, नहीं तो सैलरी प्रूफ हो गया अटैच कर सकते हैं। लोकल ID अगर आप कहीं ऊपर काम करते हैं, आप जॉब करते हो या फिर आपका बस का बना हुआ है तो प्रूफ आप अटैच कर सकते हो। एंड जी हाँ, और इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में या फिर किसी भी और लैंग्वेज में, उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश में और वो साथ में अटैच करना है, ओके। सो ये बेसिक लिस्ट थी डॉक्यूमेंट्स की जो जिनकी ज़रूरत होती है। इनके अलावा फाइल टू फाइल जो आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, तो प्लीज़ जब भी आप अप्लाई करें अपनी कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस करें, प्रॉपरली अपना लेआउट देखें एंड देन प्रोसीड। एंड एक चीज़ मैं जरूर ऐड करनी चाहूँगा कि राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अभी हम ओपन स्पाउस वर्क परमिट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछी थी, इसके हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी और टॉपिक हो जिस कि मैं आप चाहते हो मैं उसको कवर करूँ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो ज़रूर कमेंट बिलो कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय।